तुरइयाँ ली हैं, अभी मैं इनको छील के काटूंगी। तुरइयों को मैंने छील के अच्छी तरीके से धो लिया था। ये देखें, ये मैंने तुरइयाँ इस तरह से काट ली हैं। ये 3 अदद मैंने प्याज ले ली है, ये देख लें। और ये 1 पाव हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैं काट लूँगी। ये देखें, हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और ये प्याज भी हमारी कट चुकी है। ऑयल चला जाएगा, ये वाले 3 चम्मच मैंने भर के डाले हैं इसमें ऑयल के। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ये प्याज चली जाएगी। अब इसमें 1 चम्मच ये वाला ज़ीरा चला जाएगा। अब ये हरी मिर्ची चली जाएंगी इसमें। ये 1 पाव हरी मिर्चें हैं, इसमें लाल मिर्च का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये हरी मिर्चों में ही बना रही हूँ। तो 1 पाव हरी मिर्ची चली जाएंगी इस प्याज में। इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है हरी मिर्चों को, प्याज के साथ ही आप उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें हरी मिर्चें। अब इसमें तुरइयाँ चली जाएंगी, मिक्स कर लें इसको अच्छी तरीके से, मिक्स कर लें। चला जाएगा हल्दी जायका, इसे मैं मिक्स कर लूँगी इसको। और इसमें किसी भी लाल मिर्च और किसी भी लाल मिर्च का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, ओनली हरी मिर्च से मैं बना रही हूँ ये। अब इसमें मैं ये 1 गिलास इसमें पानी का शामिल करूँगी। अब इसमें ये इमली चली जाएगी, चाहे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं इमली डालती हूँ इसमें। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखें, हमारी तुरइयाँ पक रही हैं, अभी थोड़ी सी और पकेंगी ये। ये देखिए, तुरई हमारी तैयार हो गई है और गल भी गई है और तैयार भी हो गई है। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।